संकल्प न्यूज। मां पांच धाम मंदिर प्रांगण सोमनी में सात दिवसीय श्री महाविष्णु अनुष्ठान एवं श्री विष्णु पुराण भक्ति में ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ 51 कुंडी कलश यात्रा से की गई। कलश यात्रा सोमनी नगर का भ्रमण किया। इस मौके पर श्री धाम वृंदावन से पधारे आचार्य हरीश चतुर्वेदी द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। इन दिनों राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में मां पांच धाम मंदिर प्रांगण में सात दिवसीय श्री महाविष्णु अनुष्ठान एवं श्री विष्णु पुराण भक्ति में ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन चल रहा है। 18 पुराणों की वेदी पूजन के बाद 51 कुंडी कलश यात्रा से श्री महाविष्णु अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा ने पूरे सोमनी नगर का भ्रमण किया। तत्पश्चात कलश यात्रा मां पांच धाम मंदिर प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। श्री महाविष्णु अनुष्ठान के मौके पर वेद मंत्रों के बीच अग्निदेव का आह्वान किया गया और श्रद्धालुओं ने मंडप परिक्रमा की। मंडप परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री धाम वृंदावन से आए आचार्य हरीश चतुर्वेदी द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच वेदी पूजन, मंडप पूजन, अरणि मंथन किया गया। सात दिवसीय विष्णु कथा पुराण में प्रवचन कर रहे आचार्य हरीश चतुर्वेदी ने कहा कि विष्णु पुराण श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पांच धाम को जिसने जान लिया, पांच धाम को जिसने मानना शुरू किया, उसका दर्शन मात्र से सारे उनकी विद्या हर लिए जाते हैं। इसलिए पांच धाम को जानकर मानने के लिए यहाँ पर आकर ओम शक्ति जय पांच धाम ऐसा जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। ओम शक्ति जय पांच धाम। ये जो आयोजन है ये हमारे पांच धाम मंदिर सेवा समिति की ओर से और पूरे ग्राम सोमनी की ओर से आयोजित किया गया है। ये आयोजन जो श्री महाविष्णु अनुष्ठान है वह 1 मार्च 2019 से लेकर के 7 मार्च 2019 तक चल रहा है और इसमें शुरू प्रथम दिवस से ही सुबह 10:30 बजे से लेकर के रात्रि तक भंडारा, भोजन भंडारा का आयोजन है जो समिति अपनी ओर से कर रही है और इस आयोजन को पूरा क्रियान्वयन करने में गांव वालों का भरपूर सहयोग और साथ मिला है और हमारे इस श्री महाविष्णु अनुष्ठान पुराण प्रवचनकर्ता जो प्रमुख प्रवचनकर्ता हैं वो श्री हरीश चतुर्वेदी जी हैं जो कि साजा से हैं, यहीं छत्तीसगढ़ से ही हैं और इस पाँच धाम जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हुआ है, वो हमारी गुरु माता हिमला देवी जी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में ये आयोजन हो रहा है और लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं इस मंदिर को इस सोमनी ग्राम में स्थापित हुए आए हुए। ये 2011 में और हमारे यहाँ भागवत हुआ था, श्रीमद् भागवत, उसमें सभी जितने दर्शक आते थे उनको, हमारे घर वाले को, मेहमान को, सबको देवियाँ आती थी। वो देवियाँ इकट्ठा होके बोलते थे कि यहाँ मंदिर बनेगा। जिसको दंतेश्वरी आया था वो इस जगह पे जो मंदिर बनी ना उस जगह पे साक्षात गिरे हुए थे कि यहाँ मेरे को इसका मंदिर चाहिए करके। उस समय से हमारे यहाँ गुरु माँ को सपना आते गया और हम आगे बढ़ते गए उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। मंदिर में जो ये ऐसा पहली है जो एक बार आएगा वो आकर्षित होगा इनकी शक्तियों से, इनकी नजरों से। जो आएगा वो एक बार में कभी खुश नहीं रहेगा, आते जाएंगे उनको उस प्रकार से उनकी मन्नतें, उनकी दुआएं, उनकी कृपा से बढ़ते जाएगा, उनकी जनसंख्याएं बढ़ते जाएगी। इस प्रकार के उनको एक दिया 10 दिया बोला गया है। माताओं का कहना है कि इस मंदिर में जब तक मम्मी के रहते हुए कोई पंडित नहीं रहेगा, आगे की उनकी कृपा है। अभी पुजारी मम्मी है, गुरु माता है, भोग लगाती है, आरती करती है, पूजा करती है, उनकी सेवा करती है, ये सब चीज गुरु माता करती है। इस मौके पर पांच धाम मंदिर में भगवान शिव जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। 7 दिनों तक चलने वाली इस महाविष्णु अनुष्ठान एवं श्री विष्णु पुराण भक्तिमय ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दौरान सत्यनारायण देव की कथा का वाचन किया गया। इसके पश्चात ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भगवान नरसिंह अवतार का कथा आचार्य हरीश चतुर्वेदी ने अपने ओजस्वी कथा वाचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराया। इस अवसर पर महाशिवरात्रि पर्व और फूलों की होली भी खेली गई। भरत चरित्र और विष्णु अवतार में श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की झांकी से मंदिर प्रांगण भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। हवन चढ़ोतरी और भंडारा के बाद 7 मार्च को श्री महाविष्णु पुराण महायज्ञ ज्ञान सप्ताह का समापन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भक्ति रस का लाभ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस विभाग की मोटरसाइकिल रैली।